हेलो डियर स्टूडेंट आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट साइज एंड सेप, टुडे आई डिस्कस आई विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन वो कितना दिन उसका लाइफ है ऑन द बेसिस ऑफ दियर लाइफ स्पेन प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स एनुअल्स बाय एंड पेरेन्यल्स एनुअल क्या हुआ एज दियर नेम जैसा इसका नाम है एनुअल एनु एनुअल में क्या हो गया वेन प्लांट सर्वाइव ओनली फॉर वन सीजन एक ही सीजन में मेनी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट वेजिटेबल्स

बियर फ्लावर एंड फ्रूट इसमें क्या होता है बैनीम में कि दो सीजन में ये रहेगा फर्स्ट ईयर में ये वेजिटेटिव ग्रोथ यानी एक्सेप्ट फ्लावर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या करेगा ग्रोथ करेगा और दूसरे ईयर में बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट लाइक कैरट रेडिश टर्निप इट इंड सेकेंड है पेरेनियल अब एनुअल में देखें वन सीजन बायमियल में देखें टू सीजन और पैरेनियल में मेनी ईयर्स प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स मेनी टाइम इन यर लाइफ टाइम जैसे मान लो मैंगो ग्वाबा इटीसी और सम एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल प्लांट तो तीनों में हम लोगों ने देख लिया कि एनुअल में देखे वन सीजन बैनुअल में टू सीजन पेरिनियल में मेनी तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर सम प्लांट्स आर फ्लावरिंग एंड सम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वह प्लांट जो जिसमें फ्लावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट और जिसमें फ्लावर नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट में जितना भी फ्रूट्स आएगा वो सभी फ्लावरिंग में आएंगे जैसे तुम्हारे अगल बगल में रोज होगा मैंगो होगा सनफ्लावर होगा इटीसी ये सभी क्या कला है फ्लावरिंग प्लांट तो उस प्लांट में जिसमें फ्लावर हो प्लांट्स बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे एल्गी मॉसेस मशरूम फॉर्न इटीसी आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन-फ्लावरिंग प्लांट उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट हैबिटार्ड। इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटार्ट द लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटार्ट जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे हैबिटार्ट तो लिविंग बॉडी चूज द हैबिटॉट फॉर द सर्वाइवल फॉर द कंफर्टेबल सर्वाइवल ये चूज करता है कि कहा पे हम सर्वाइव करेंगे तो द प्लेस वेयर प्लांट्स और एनिमल लिव गेट फूड एंड इंट्रेक्ट विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड हैबिटॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिवस एडेप्ट दे सेल्फ टू दियर है क्या हुआ वॉट इज द मीनिंग ऑफ एडोप्ट चेंज इन बॉडी चेंज इन बॉडी वो एडेप्टेशन कहलाता है तो वो एडप्ट किया किससे इन्वायरमेंट अप, से अपने आप को अपने बॉडी को वो चेंज कर लिया ऑन द अकॉर्डिंग टू एन्वायरमेंट

एंड हाइड्रोफाइट मिजोफाइट क्या है मिजोफाइट दिस प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जनरली दैबिटाउट इज डिपेंड अपॉन दफ वाटर तो मिजोफाइटिक प्लांट जो है वो मॉडरेट अमाउंट यानी जितना उसको जरूरी है अपना लिया फॉर दर सर्वाइवल दे हैव मोडी मीडियम साइज रूट एंड बियर्स नॉर्मल ग्रीन लीव्स जैसे मैंगो एप्पल जितने भी तुम धरती पे देख रहे हो ऑन लैंड सेकेंड है जीरो फाइट प्लांट ग्रो इन डेजर्ट जो डेजर्ट में रहते हैं तो अब देखो तुम कि डेजर्ट में क्या है स्कर्सिटी ऑफ वाटर तो जब स्कर्सिटी ऑफ वाटर होगा एंड व्हेन द बॉडी ऑफ मिजोफाइटिक प्लांट्स आर नॉट एडप्ट टू द दे कैन डाई तो वो क्या करता है वहां पे दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर दर सरवाइवल अब इसका फॉर लॉन्ग रूट होगा

Why xerophytic plants bear thin and spiny leaves? Because the area of leaf is reduced. For the area of reduction of leaf, they change into a spine. Leaf जो है वो spine में change कर जाता है, thorn में change कर जाएगा, जिससे उसका area क्या हो गया? कम हो गया. Area क्या हुआ? कम हो गया. तो area जब कम होगा तो तो ट्रांसपीरेशन आल्सो डिक्रीज अब ट्रांसपीरेशन क्या है ट्रांसपीरेशन क्या है तो वेन प्लांट्स टेक एक्सेस वाटर द वाटर एवोपरेट चेंज इनटू वेपर एंड गोज इन एनवायरनमेंट। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन तो यहां पे स्पाइनी जब हो गया थॉर्नी जब हो गया तो उसका एरिया कम हो गया तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या हुआ वो भी कम हो जाएगा तो स्पाइनी लिप्स विच हेल्प टू तो मिनिमाइज दियर वाटर लॉस सम एग्जाम्पल ऑफ जीरो जैसे कैक्टिस कैक्टस एंड बबूल तीसरा आता है हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइटिक प्लांट नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है हेज दे ग्रो इन वाटर दे हैव एदर वेरी स्मॉल रूट और नो रूट एट ऑल चूंकि वहां पर एब्जॉर्बेशन के लिए यह सर्च नहीं करेगा तो या तो बहुत थोड़ा रूट हुआ स्मॉल रूट छोटा या रूट नहीं भी है दे बियर लीव्स लीवस कॉटेड विथ थीन फिल्म अब मान लो अगर प्लांट वाटर में है तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा ये मर जाएगा सड़ जाएगा गल जाएगा डीके हो जाएगा तो उसके लिए क्या होता है कि द जो लीव्स है लीव कॉटेड विथ विथ एन फिल्म दिस फिल्म हेल्प टू प्रोटेक्ट देम इन वाटर जैसे लोटस वाटर लीली ई टी सी तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन एनिमल क्लासिफिकेशन हम लोग इसको दो दिन में खत्म कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर इसका स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो थैंक यू